हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज्ज़ा, जो कि खाने में बहुत ही यम्मी होता है और ये सबको पसंद आता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्रेड, मोजरेला चीज़, पिज्ज़ा सॉस, बटर, कैप्सिकम, पनीर, ऑनियन, ऑरिगेनो, हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, काली मिर्च पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, क्योंकि मोजरेला चीज़ भी में भी सॉल्ट होता है। अब हम पहले पिज्ज़ा सॉस को स्प्रेड करेंगे ब्रेड के ऊपर, उसके बाद हम हर्ब्स जो हमने लिया है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स उसमें से स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। चिली फ्लेक्स, हर्ब्स और ऑरिगेनो इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, फिर काली मिर्च पाउडर, और उसके बाद जो हमने डाइस में काटा हुआ है कैप्सिकम, ऑनियन और पनीर उसको रखेंगे। आप इस पे कॉर्न भी रख सकते हैं, टोमेटो भी रख सकते हैं, पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सारे सब्जी रख देंगे, पनीर, उसके बाद सॉल्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और हर्ब्स, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स फिर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद जो हमने मोजरेला चीज़ ग्रेट करके रखा हुआ है उसे फैला लेंगे ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से, चीज़ अच्छी तरह से डालें ताकि खाने में अच्छा लगे। बराबर तरीके से फैलाएंगे उसको। उसके बाद ऑरिगेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे सभी के ऊपर, फिर हम इसे आज माइक्रोवेव में बनाएंगे। कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पे 5 to 6 मिनट पे प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट करने के बाद हम इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे, बटर नीचे स्प्रेड करेंगे, फिर इसे रखेंगे और 5 to 6 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। देखिए बेक हो रहा है। उसके बाद हम इसे निकालेंगे। देखिए हमारा ब्रेड पिज्ज़ा कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, देखने में ही इतना यम्मी लग रहा है, सोचिए खाने में कितना यम्मी होगा। इसे अब हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये अब खाने के लिए तैयार है, अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इट्स वेरी टेस्टी, बहुत यम्मी होता है ये, और उतना ही आसान है बनाना, बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।